फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिक्स साग बनाने जा रहे हैं। यह बहुत ही टेस्टी बनती है और मौसम भी हमारा साग का चल रहा है। चलिए फिर बनाते हैं मिक्स साग। मिक्स साग बनाने के लिए मैंने यहाँ सरसों का साग लिया है 500 ग्राम। यह देखिए, पालक का साग लिया है, ये भी 500 ग्राम है। बथुए का साग लिया है, ये भी 500 ग्राम है। चलिए अब हम इन तीनों सागों को कुकर के अंदर डालते हैं। ये देखिए, मैंने सरसों के साग, पालक और बथुए के साग को कुकर के अंदर डाल दिया है। अब हम एक सीटी लगने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए, साग में हमने एक सीटी लगा लिया है और ढक्कन को निकाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से कुकर में इसको चलाएंगे और इसको बारीक करेंगे। यह देखिए इस तरीके से इसको बारीक करते हुए जाएंगे, इसको चलाते हुए। यह देखिए, साग को मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया है। यह देखिए, अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ही डालिएगा। मैं यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च डाल रही हूँ। एक कली मैंने पूरी ली है इसकी, लहसुन की, ये भी मैंने बारीक कट कर दिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अब हम इसे इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें नमक उबालने के टाइम ही डाल रखा है, आप भी उसी टाइम में ही डालिएगा, मैं आपको बताना भूल गई थी। यह देखिए, साग हमारा जो है बहुत ही अच्छा बारीक हो गया, मिल गया है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी ऐसे यूज कर सकते हैं खाने में। यह देखिए, मैं इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डालूंगी सरसों का। आप बगैर ऑयल के भी खा सकते हैं इसे बनाकर। मैं यहाँ 1 चम्मच ऑयल डालूंगी सरसों का और इसे मिला लूंगी। इसे 2 मिनट और मैं इसे अच्छी तरह से इसके अंदर चलाऊंगी कुकर के अंदर। 2 मिनट हो गया है, साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारा साग बनकर तैयार हो गया है। यह बहुत ही टेस्टी बना है और ये बगैर ऑयल के भी आप बना सकते हैं, और चाहे तो इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।